ए देखो ये देखे भाई, यहाँ पे चलने लगा है पटाखा। ये हमारे ऊपर तो नहीं आना, ये ईंटे नहीं, 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 नहीं है पीछे छत तो ना चलने चल। बड़े शहर ही आए पै जा आदमी पटाखे ने सारे ने मोबाइल कटे ही। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है ना स्टार्ट हुआ है हमारा गांव जाने के लिए, ठीक है ना? तो ये देखे इरा ने ग्लासेस लगाई हैं, इसे इतना शौक आता है कि मेरे मामा पापा ने लगाई हूँ तो मैंने क्यों नहीं लगाई, ठीक है? तो इसने बैठते कहने मेरी धूप जा रही है तो मुझे ग्लासेस दे दे। और ये वाली मैंने ड्रेस पहनी है, जनरेशन से मैंने ली थी, दुपट्टा अलग मैच किया था मैंने। सॉरी आप लोगों को फुल ड्रेस की नहीं दिखा सकी, लेकिन इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो हम लोग गांव जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट टाइम हम लोग गाँव जा रहे हैं, मतलब इस गाँव पर मैं नहीं गई हुई, बाकी मेरे इन लॉज गए हुए हैं, ठीक है? ज़ाहिर है ये उनका मतलब रिलेटिव्स भी हैं और मेरी जेठानी की बहन का घर भी है, ठीक है ना? तो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं अपने भतीजे का रिश्ता करने, मतलब बात पक्की करने मेरी जेठानी के बेटे का उसकी खाला की बेटी के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं गांव में, और ये है कौन सा गांव था अब मुझे याद नहीं है, सॉरी। इंशाल्लाह मैं कैप्शन में ज़रूर लगाऊंगी या फिर वो टाइटल में ज़रूर लिखूंगी। अपने हस्बैंड से पूछ के, वो भी सो रहे हैं। तो ये कोई ना उसी साइड पे, मतलब फैसलाबाद में आगे जाके तानले से पीछे आता है छजवाल। छजवाल जो लोग यहाँ फैसलाबाद में रहते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ तानले में रहते हैं। तो छजवाल से पीछे है कोई हरसा कोट, नहीं कुछ समथिंग ऐसे था, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो जी हम लोग जा रहे हैं, तो उसकी बात हम लोगों ने पक्की करनी है इंशाल्लाह। तो साथ जो भी गिफ्ट्स वगैरह मतलब प्यार देते हैं वो, तो मैं देख रही थी मैंने कहा गाँव इतने प्यार, मतलब यहाँ पे सारा कुछ उसी तरह से था जैसे मतलब पहले लोग रहते होते थे गाँव वगैरह में। तो मैंने तो खैर इतना देखा नहीं था, लेकिन मैं छजवाल में पढ़ने जाती थी, जो फैसलाबाद में या तानले में रहते होंगे ना उन्हें आइडिया होगा कि छजवाल कहाँ पे है। तो मैंने ना 9-10 यहाँ से की थी किसी सम रीज़न्स, मैंने वैसे तो दुबई से की हुई है लेकिन सम रीज़न्स ना हमें मुझे करनी पड़ी यहाँ से। नहीं बेटा हम स्नो फॉलिंग पे नहीं जा रहे, हम विलेज जा रहे। नहीं विलेज में स्नो नहीं है बेटा, वो जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते, हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे स्नो देखने, नेक्स्ट नहीं ईद पे जाएंगे स्नो देखने, स्वात जाएंगे स्वात इस दफा। हाँ अभी तो विलेज जा रही है ना, हम वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट मंथ इरहा स्वाद जाएगी, वह उससे नेक्स्ट मंथ फिर हम नानाबू की तरफ भी चलेंगे। इस दफा हम नारायण का गान नहीं ना जाएंगे, इस दफा हम स्वाद जाएंगे। बाटाकुंडी जाना है या स्वाद जाना है इरहा? इरहा कैसे कहते हो दीदी, बाटाकुंडी? अच्छा जी, बेसिकली ना इरहा को स्नो फॉलिंग देखने का बहुत शौक है, तो उसे यही लग रहा था कि हम स्नो फॉलिंग देखने जा रहे हैं, लेकिन फिर हमने उसे समझाया बेटा नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है कि मान जाती है जी। तो यहाँ से हमें भी रास्ता नहीं पता, लेकिन जिन्हें पता है हमने उनसे भी आगे जाने की कोशिश करनी। एक्चुअली हमारी लग रही थी रेस, तो हम 5-6 गाड़ियाँ थी माशाल्लाह, तो कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि हमने निकलना लेकिन फिर ये एक टाइम पे आगे रुक गए थे, तो बस हम लोग पहुंच के ऑलमोस्ट। तो ये है सराज, गांव का नाम है सराज, मुझे याद आ गया। तो आप देखें अभी भी ऐसे पुराने पुराने से यहाँ पे घर हैं, तो मैं देख के मैं कह रही थी जुनेद ये लोग क्यों नहीं मतलब वैसे पक्के घर बनाते जिस तरह से सीमेंट हुए हुए या कच्चे से घर है इधर, मतलब ये वाले भी पक्के घर हैं लेकिन उस तरह से नहीं जैसे शहरों में होते हैं। लेकिन अब गांव भी वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन ये अच्छा गांव बना हुआ था और घरों के साथ घरें थी छतें थी, छतों के साथ छतें थी, ठीक है? यहाँ तो हम बनाने से ही डरते कोई चोर ना आ जाए।
गाड़ियों में धुआं ही धुआं हो गया, गाड़ियों का मेकअप हो गया, करी। फुल गलियों से गुजर के हम लोग जा रहे हैं और मट्टी मट्टी हो गए। देखो यार टी वो पिंड वाले खलो के देख रहे हैं इन गड्डियां के नाल जा रही है, कोई बारात तो नहीं आ गई और हम सिर्फ बात पक्की करने जा रहे हैं 6 गाड़ियों पे माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो देखो ये गांव में शहर वालों ने किया गांव में रिश्ता जी जी, वो देखो घर आ गया। फैमिली प्राइवेसी इश्यूज की वजह से मैं जो है वो वैसे जो मेरे से हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जी ये लेके गए थे फ्रूट्स के बास्केट, साथ मिठाई थी और ये कुछ गिफ्ट्स थे और साथ जो था वो पैसे देने थे हम सब ने ही, क्योंकि प्यार भी देने गए थे और वैसे बात पक्की करने भी गए थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये उनका घर है गांव में, ये अभी इन्होंने रिसेंटली बनाया, वैसे इससे एक सामने वाला घर है वो इनका पहला घर था तो इसलिए यहाँ पे पेंट वगैरह नहीं हुआ हुआ। तो ये जुनैद को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली जाके इसकी वीडियोज़ बना दें, मुझे लगा कि खाना रखा होगा तो चलो खाने की बना देंगे, लेकिन उन्होंने इसी की बना दी। जी आप लोगों ने ये सीन स्टार्ट में देख ही लिए हैं, वहाँ गांव के बच्चे मतलब बिल्कुल इस तरह से होते हैं किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हर चीज़ को एंजॉय करते हैं मैंने देखा है, वो खुश रहने वाले भी तो इसलिए होते हैं। और माशाल्लाह ये हम सब की गाड़ियाँ थी जो जो गए थे। तो बाकी ये कि और एक और बात, जितनी भी बच्चियाँ थी ना वो एक मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी, ये लगा ले कोई 5-6 साल से ना उनके सर पर ना दुपट्टे थे, उन्होंने अपने दुपट्टे नहीं उतारे हुए थे और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है बच्चों को सिखाने के लिए। अब देखे जैसे हम लोगों ने दुपट्टे नहीं लेते सर पे, मैं ये नहीं कहती कि जी हम बड़े पर्दे वाले हैं ये वो, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ये सारा कुछ करने की इस रमज़ान के महीने में। ये ना बेसिकली मैं अब व्लॉग जो है एडिट कर रही हूँ, तब से टाइम ही नहीं था लगा। तो बाकी ये कि वहाँ हम भी अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा सके ताकि वो सीखे, हम करेंगे तो वो सीखेंगे ना। बाकी ये देखें ये चीज़ वो बना रहे थे, पता नहीं ये तंदूर है आई थिंक, हाँ तंदूर ही थे, तो ये छत पे बना रहे थे। तो हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग क्या वीडियो बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप लोग बना लें कोई मसला नहीं, जाहिर सी बात है पूछ के बनानी चाहिए, तो किसी की भी प्राइवेसी को क्यों हम लोग मतलब डिस्ट्रॉय करें जैसे भी है। तो हम लोग उनसे हम लोगों ने परमिशन ली कि हम लोग क्या वीडियो बना रहे हैं कि आप कैसे कैसे बना रहे हो, इतने अच्छे अच्छे बना रहे थे, इतने ज़्यादा तंदूर थे, इनका सही वहाँ के मतलब मुकाबले में बिजनेस चलता होगा। आप लोगों ने ना मेरा व्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आप एंड तक देखा करें, आप पता नहीं एंड तक क्यों देखते नहीं देखते मुझे, जो नहीं कहते वो बोर हो जाते थे। ये देखिए ये कैसे इन्होंने दुपट्टे कवर किए हुए हैं ना, ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी कि हर छोटी छोटी बच्चियों ने दुपट्टा लिया होता, खैर कसूर तो हमारे हम नहीं लेते तो बच्चे नहीं लेते। बाकी ये कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें और देखा करें व्लॉग को, लाइक तो ज़रूर किया करें और कमेंट में बताया करें कि मुझे और कितनी चेंजिंग करने की ज़रूरत है, मैं बोलती हूँ आप लोग बताते नहीं तो मैं भी इग्नोर कर देती हूँ कि खैर है चल रहा है चलता रहे, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह चल ही जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अल्लाह ताला मुझे डटे रहने की तौफीक दे इंशाल्लाह। आप लोगों ने गांव देख लिया ना कितना मतलब ज़बरदस्त गांव था, कच्चा कच्चा सा वैसे जैसे होते हैं, तो ये इतनी स्पीड इसलिए चला रहे थे इन्होंने यहाँ से सीधा फिर अपनी बहन की तरफ जाना था जो सत्याना में रहती हैं। तो जी अब हम सत्याने पहुँच के अब यहाँ से हम जाएंगे एक और घर, मेरी नंद के घर। इसका रिश्ता भी बहुत देर से देख रहे थे, जैसे मेरी बहन का रिश्ता देख रहे थे, तो हम लोग इन्हें हंसते थे कि अगर तुम लोगों का ना हुआ तो हम लोगों ने ना तुम दोनों का आपस में करवा देना है। तो ये लड़का जो है ना ये उससे 2 साल कम से कम 2 से 3 साल छोटा है, ज़्यादा ही होगा शायद 3 से 4 साल छोटा होगा। इनका रिश्ता भी आगे पीछे मिला है मतलब एक दिन के गैप से और बात भी पक्की इसी तरह हुई है। बाकी आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग बहुत इन्जॉय किया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।